खत्म कर देता हूँ जो बिल्कुल वेरी लास्ट में आता है साउंड के। तो ओके तो डॉपलर इफेक्ट इज द कॉज ऑफ रडार एंड सोनार। यदि आपने नाम सुना, रडार और सोनार दोनों डॉपलर इफेक्ट पे ही काम करते हैं। ओके, रडार में क्या करते हैं, वो हवाई जहाज आसमान में कितनी दूरी पर है, कितनी तेजी से आ रहा है, कितने एरोप्लेन आ रहे हैं अटैक करने, किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, ये सब पता कर लेते हैं। राइट, सोनार में समुद्र के नीचे कोई चीज है नहीं है, सबमरीन को ये पता करना कि कोई शिप तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है, किस तरफ तैर रहा है, या कोई दूसरी सबमरीन, दैट इज व्हाट इज सोनार। इज सोनार साउंड पे बेस्ड है, रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये सब इस डॉप्लर इफेक्ट के बेसिस पे होता है। तो डॉप्लर इफेक्ट कॉन्सेप्चुअली चीज क्या है, ये मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो डॉप्लर इफेक्ट क्यों होता है, ये जो साउंड का सोर्स होता है उसके चलने पर, और जो उसका रिसीवर होता है सुनने वाला उसके चलने पर जो अफेक्ट आता है साउंड में सुनने में, उसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली उसके उसकी स्टडीज डॉपलर इफेक्ट। राइट, और इस पे दुनिया में सबसे एडवांस्ड है चमगादड़ बैट्स। ओके, चमगादड़ को दिखाई नहीं देता है बट सुनाई बहुत ज्यादा अच्छा देता है। अभी भी मतलब कुछ समय तक, पहले तक भी शायद रिसर्च चलती थी चमगादड़ के ऊपर, चमगादड़ों के ऊपर, बैट के ऊपर, ताकि हम और अच्छी रडार बना सके। राइट, उनकी रडार इतनी अच्छी होती है। ओके, वो साउंड वेव छोड़ दें और उसी के रिफ्लेक्शन के बेसिस पता कर लेते हैं कि नीचे बिल से चूहे ने सिर बाहर निकाला है, अटैक। राइट, खैर, तो आइडिया ये है कि एक साउंड का सोर्स है। ऑलराइट, और ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट करता है। ठीक है, ये एक सोर्स है जो कि एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट करता है। इसका क्या मतलब है कि एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट करता है? एनीवन? इट मीन्स कि 1/f0 टाइम में एक पूरा डिस्टरबेंस, एक पूरा पल्स एमिट कर।